नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े और विपक्ष का आंकड़ा 29 से आगे नहीं बढ़ सका। फ्लोर टेस्ट पर चर्चा के दौरान ईडी की गिरफ्त से विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 तारीख देश का काला अध्याय है। सोरेन ने यह भी कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है और इसमें राजभवन भी शामिल रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित हो गए तो वो राजनीति ही नहीं बल्कि झारखंड भी छोड़ देंगे। पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। मुश्किल वक्त निकल गया, चंपई सरकार का संकट टल गया, बीजेपी के दावे डपोस शंखे निकले। चंपई सोरेन ने सदन में आराम से बहुमत साबित कर दिया। राज्यपाल के सामने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था विधानसभा में उसका सबूत दिखा दिया। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें, इसमें से एक सीट खाली। बहुमत के लिए सरकार को 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। चंपई सरकार के समर्थन यानी विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े जबकि विपक्ष को विरोध में कुल 29 वोट ही पड़े। विश्वास मत जीतने के साथ ही बीजेपी पर सत्ताधारी खेमे का आक्रमण तेज हो गया। जीत से गदगद जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी की साजिश फेल हो गई। सरकार के अल्पमत होने का बीजेपी का दावा भी झूठा निकला। बीजेपी बैकफुट पर आ गई। पार्टी के पलटन विधायकों के तोड़फोड़ के आरोपों पर सफाई देने लगे। चंपई सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त भी बता दिया। सरकार अपनी योजना सही किया है, इसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब खुश रहेंगे। क्योंकि फ्लोर टेस्ट था, जो हम लोग ने सोचा था वही हुआ है। पहले दिन से हम लोग जब समर्थन देने के लिए राजपाल महोदय के पास गए थे, साफ शब्दों में कहीं झूठ का नहीं, हम लोग बोले कि 43 सिग्नेचर है और 47 हमारा संख्या बल है। आज बहुमत वही साबित हुआ। भाजपा ने जो साजिश रची थी वो साजिश को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में वो बेनकाब हो गए। उनके पास न मेजोरिटी थी न कुछ था, वो चाहते थे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे। हमारे पास तो 49 का बल है लेकिन हमारा आज प्रूफ 47 हुआ। लेकिन आपकी जीत है और जिस तरह से सभी विधायक एकजुट रहे, ये माननीय हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से संभव हुआ, साथ में कांग्रेस और राजद तमाम लोगों ने मिलकर इस तरह की रणनीति बनाई और ये बहुत ही असंभव को संभव करके दिखाया गया है। इससे पहले विश्वास मत पर चर्चा के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर चुन चुन कर हमला बोला। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए ईडी की गाड़ी में विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन ने बीजेपी को खुली चुनौती दी कि अगर वो ये साबित कर दे कि जमीन उनके नाम की है, वो राजनीति से तौबा कर लेंगे। झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा
मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी को ललकारते हुए हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा कि झारखंड पर बुरी नजर डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा, जिस तरीके से बंदूदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हो सकता है मेरा भी ये असर। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जेएमएम विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इल्जाम ये कि हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटाने के खेल में राजभवन भी शामिल है। हेमंत सोरेन के भाषण में भी ये इल्जाम आ ही गया। मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अपनी हुकूमत को हेमंत सोरेन पार्ट टू बता दिया। 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय, देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है, इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है, और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी या दलित मूलवासी के लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। सीएम पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार चीख चीख कर कह रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं, और इसलिए चंपाई सोरेन के बहुमत के दावे पर राज्यपाल को यकीन नहीं करना चाहिए। इधर सत्ताधारी खेमा ये दावा कर रहा था कि बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की साजिश कर रही है, और यही वजह है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा। चंपाई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद भी इन विधायकों को फिर से हैदराबाद भेजा गया। हालांकि फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद कांग्रेस विधायकों ने हटिया में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन को बधाई देते हुए बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहाँ गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। ईडी का इस्तेमाल करके ऐसे तो ये कोई भी सरकार गिरा देंगे। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी इन्होंने, अब झारखंड के अंदर पूरी कोशिश तो इनकी सरकार गिराने की थी, वो सरकार गिरा नहीं पाई। उन्होंने 48 घंटे तक इंतजार किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग टूट जाएंगे, ये तो अच्छा है कि कोई नहीं टूटा अभी तक। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है। को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, उनको लग रहा था कि चूंकि उनके विधायक हैं तो स्वाभाविक उनको लग रहा था कि कौन कौन विधायक उससे नाराज होंगे, कब कौन कहां भाग जाएगा। तो हमको इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है। कि जब कोई आदमी विधायकों की चोरी करने की कोशिश करे, जिसका इतिहास रहा हो
किसी पार्टी का कि दूसरों के विधायकों पर डकैती डाले, दूसरों की सत्ता छीने, तो फिर हर एक को प्रिकॉशन लेना पड़ता, हर एक को अपना घर सुरक्षित रखना पड़ता। लोकतंत्र की जीत हुई, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और जो लोग जिस मंशा से इस तरह का खेल कर रहे थे, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। उनको क्या मतलब है, हम पार्टी के नाते हम खर्च करेंगे, हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। आप कौन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बताइए। आप परेशान क्यों हैं कि वे हमारे एमएलए सब सिक्योर है और आपकी खरीदी पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, ये असली तकलीफ है इनकी। पूरी कोशिश ये की गई कि उनको, उनकी सरकार को या उनकी पार्टी को दोबारा सरकार ना बनाने दी जाए। इससे ये बात साफ हो जाती है कि असली मकसद ईडी का हेमंत सोरेन की सरकार गिराना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फ्लोर टेस्ट में चंपाई सरकार के जीत को सच्चाई की जीत बताया। बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए झारखंड के जल, जंगल और जमीन की हिफाजत का संकल्प दोहरा दिया। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से 9 फरवरी तक जवाब देने को कह दिया। हालांकि सोरेन को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज 24।